आपको जल्दी से कुछ अहम बातें बता देते हैं। देखिए अब मैं 4 घंटे 41 मिनट का वक्त बचा है जब चंद्रयान 3 चांद पर कदम रखेगा। और अब देखिए अब तक चांद पर कदम रखने वाले कौन कौन से लोग हैं, अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन अपोलो 11, अपोलो 12 चार्ल्स कॉनराड और एलन बीन अपोलो 12, अपोलो 14 एलन शेपर्ड जूनियर और एडगर मिशेल भी हैं इसमें अपोलो 14। तो ये वो है जो अब तक चांद पर कदम रख चुके हैं और अब इंतजार हो रहा है बस ये चंद घंटे बीत जाएं और भारत का चंद्रयान 3 जो यहाँ पर अब कदम रखने की तैयारी कर रहा है कुछ और यहाँ पर आपको, क्योंकि टोटल 12 लोगों ने अब तक कदम रखा है चांद पर। डेविड स्कॉट अपोलो 15, अपोलो 15 जेम्स इरविन, जोंगयंग अपोलो 16, चार्ल्स ड्यूक, हैरिसन स्मिथ और उसके अलावा योजिन सर्नन, ये 12 लोग ऐसे हैं जो अब तक चांद पर कदम रख चुके हैं और आज बारी इतिहास रचने की भारत की है। और कैसे दुआओं का दौर जारी है, पूरा भारत इस वक्त उत्साह में है। आपको भोपाल लिए चलते हैं मेरे सहयोगी ब्रजेश, वहां से हमें तस्वीरें दिखाएंगे। ब्रजेश मनाओ, लेकिन मना थोड़ी देर पहले तक यहाँ ढेर सारे बच्चे सुबह से यहाँ पे आए हुए थे क्योंकि ये भोपाल का रीजनल सेंटर है, रीजनल साइंस सेंटर है। और हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर साकेत कौरोजी हैं जो साइंस को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। सर अभी तक जो खबर आई है कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ तय समय के मुताबिक चल रहा है, अब आपको क्या लग रहा है, कुछ क्रूशियल हो सकता है या जैसा सोचा है वैसा होगा? कि देखिए इसरो के इस लेटेस्ट ट्वीट के बाद आप वो इमेजेस देख पा रहे होंगे मिशन कंट्रोल का जो हमने 2 चित्र जारी किए हैं और आप देख सकते हैं हमारे साइंस सेंटर में भी शाम को तैयारियां जो हैं ऑल इज़ वेल है, तभी वो जानकारी सबको साझा की जा रही है, पूरी तैयारी है। और जब पूरी मेहनत और साइंटिफिकली प्रिपरेशन कम्प्लीट हो तो फिर चीज़ें साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलती हैं, है ना। हम सब की भावनाएं जरूर उससे जुड़ी हैं और हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना होगा कि इसरो की टीम इस समय जिन जिम्मेदारियों के साथ अपने हर एक रोल को निभा रही होगी उस मिशन कंट्रोल में, हर एक सेक्शन और डिवीज़न अपने जो छोटे छोटे ग्रुप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी कलेक्टिवली दे आर एग्जीक्यूटिंग, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है और सब कुछ सही होगा ये हम सब की आशा है और हमारी शुभकामनाएं हैं इसरो की पूरी टीम। एक टर्म यूज़ किया था कि ये यूरेका मोमेंट है, यूरेका, बिल्कुल यूरेका मोमेंट से, क्योंकि भारत के लिए ये टच डाउन होने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग और वो भी चांद के उस जगह पर जो कि यही एक वर्ड जो इस वक्त हर किसी के जहन में घूम रहा है सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि इस बार सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर उम्मीदें सबकी बरकरार है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।